बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब इशरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब ज़िदनी इल्मा। माई डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, अस्सलामु अलैकुम। वी आर हेयर विद लेक्चर नंबर 12 एंड द टॉपिक इज़ ऑब्जेक्ट मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड। ठीक है, अच्छा एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि नाउ वी आर ऑन स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में से डिपेंडेंट क्वान्टिटी कौन है? स्पीड। इनडिपेंडेंट क्वान्टिटी कौन है? टाइम, क्योंकि टाइम किसी पर भी डिपेंड नहीं करता। इसलिए टाइम को हम लेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस और स्पीड को हम लेंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, टाइम अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड स्पीड अलॉन्ग वाई एक्सिस। नाउ ऑब्जेक्ट मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड। कॉन्स्टेंट का क्या मतलब होता है बेटा? जिसकी एक वैल्यू होती है, दैट हैज़ अ सिंगल वैल्यू। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टाइटल ऑफ द टॉपिक कि आपने ऐसी चीज़ का, ऐसे ऑब्जेक्ट का ग्राफ ड्रॉ करना है जिसकी स्पीड कांस्टेंट है, मुसलसल एक वैल्यू है, चेंज नहीं हो रही। ठीक है, नाउ आई हैव ड्रॉन अ ग्राफ फॉर यू। यहाँ पे टाइम है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और देखें टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड्स। स्पीड इज़ अलॉन्ग वाई एक्सिस और इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। अब आप देखें, अगर गौर करें तो फर्स्ट 5 सेकेंड्स में बॉडी की स्पीड क्या है? 4। नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में बॉडी उसी 4 मीटर पर सेकेंड पे, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स पे बॉडी 4 मीटर पर सेकेंड पे। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को जॉइन कर लें तो हमारे पास किस तरह का ग्राफ आया? हॉरिजॉन्टल ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ विच इज़ पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये ग्राफ शो कर रहा है कि बॉडी की स्पीड हर 5 सेकेंड्स के इंटरवल के बाद 4 मीटर पर सेकेंड ही है। कॉन्टीन्यूसली एक ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व कर रहा है एंड द स्पीड इज़ नॉट चेंजिंग, इट हैज़ अ कॉन्स्टेंट वैल्यू विच इज़ 4। सो दिस इज़ द ग्राफ फॉर द ऑब्जेक्ट मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड। नाउ वी स्विच ओवर टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड का दूसरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि चेंजिंग स्पीड किसकी डेफिनेशन है? एक्सेलरेशन की। और जब इसके साथ यूनिफॉर्मली का वर्ड लग गया, यानी बॉडी की स्पीड चेंज तो हो रही है लेकिन यूनिफॉर्मली हो रही है। ठीक है, अगर हम ग्राफ इसका देखें, स्पीड इज़ टेकन अलॉन्ग वाई एक्सिस, इट हैज़ यूनिट मीटर पर सेकेंड। टाइम इज़ टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इट हैज़ यूनिट सेकेंड्स। ठीक है, अच्छा अब देखें, यहाँ मैं अगर इस ग्राफ की वैल्यू लिखूँ टाइम और स्पीड, फर्स्ट 5 सेकेंड्स में बॉडी की स्पीड कहाँ पहुँची? 2 पे। ये देखें बॉडी ने कितनी स्पीड गेन की? 2। अच्छा, अगर बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है तो नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में, यानी जब टाइम हमारे पास हो गया 10 सेकेंड्स, 2 + 2 कितना हो जाना चाहिए? 4। सो यू कैन सी ओवर हियर, देखिए नेक्स्ट में हमारे पास स्पीड कितनी हो गई? 4। अगर यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है तो नेक्स्ट 5 सेकेंड्स, यानी अगर बॉडी का जो टाइम है वो 15 सेकेंड्स तक पहुँच गया है, तो अब बॉडी की स्पीड कितनी हो जानी चाहिए? अगेन 4 + 2, इट मस्ट बी 6, एंड यू कैन सी इन द ग्राफ दैट द वैल्यू इज 6। नाउ वी कैन जॉइन दीज 3 पॉइंट्स एंड यू कैन सी दैट वी गेट अ स्लोप ओवर हेयर। सो जब किसी बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज होती है तो उसका ग्राफ हमें एक स्लोप की फॉर्म में मिलता है विच इज़ इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर एक सीढ़ी की तरह, स्टेयर की तरह पड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये लाइन रीड करूँगी, अ स्ट्रेट लाइन मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ द लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इट एक्सेलरेशन। यानी आप किसी भी पॉइंट पर बॉडी की अगर स्पीड निकालना चाहें तो आप आराम से निकाल सकते हैं, और अगर आप बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना चाहें, फॉर एग्जाम्पल हम ये पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज़ पॉइंट ए, मैं आपसे कहती हूँ पॉइंट ए पे बॉडी का एक्सेलरेशन निकालें, आप कैसे निकालेंगे? पॉइंट ए के ऊपर देखें बॉडी की स्पीड कितनी है? 4। अच्छा, और पॉइंट ए के ऊपर बॉडी का टाइम देखें कितना है? 10। अब अगर हम इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेंगे कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, vf - vi/time, तो यहाँ देखें आप इन दो पॉइंट्स के बीच में भी निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। अच्छा, अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है? 4। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 2। और इन दोनों के बीच का टाइम देखें, आपके पास टाइम कितना है? 5 से 10 के बीच में इंटरवल कितना हो गया? 5। फाइनल वेलोसिटी इज़ 4, इनिशियल वेलोसिटी इज़ 2। ठीक है, और टाइम आपके पास कितना है? 5। यहाँ मैं लिख देती हूँ 4 - 2 / 5।
आपके पास क्या आ गया, 2/5, और ये आपके पास तकरीबन 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो है एक्सेलरेशन आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो आपने होमवर्क में ये दोनों क्वेश्चंस करने हैं, और आपने यहाँ लिखना है एक्सप्लेन द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द ऑब्जेक्ट मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड एंड द ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर आप ये टॉपिक लिख के इसके साथ ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्लियरली ये एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। इसी तरह से आप नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग देके ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ये एक्सप्लेनेशन भी आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़। टॉपिक विच इज़ ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड का दूसरा नाम क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि चेंजिंग स्पीड किसकी डेफिनेशन है, एक्सेलरेशन की। और जब इसके साथ यूनिफॉर्मली का वर्ड लग गया, यानी बॉडी की स्पीड चेंज तो हो रही है लेकिन यूनिफॉर्मली हो रही है, ठीक है। अगर हम ग्राफ इसका देखें, स्पीड इज़ टेकन अलॉन्ग वाई एक्सिस, इट हैज़ यूनिट मीटर पर सेकेंड, टाइम इज़ टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इट हैज़ यूनिट सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ मैं अगर इस ग्राफ की वैल्यू लिखूँ टाइम और स्पीड, फर्स्ट 5 सेकेंड्स में बॉडी की स्पीड कहाँ पहुँची, 2 पे। ये देखें बॉडी ने कितनी स्पीड गेन की, 2। अच्छा, अगर बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है तो नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में, यानी जब टाइम हमारे पास हो गया 10 सेकेंड्स, 2+2 कितना हो जाना चाहिए, 4। सो यू कैन सी ओवर हियर, देखिए नेक्स्ट में हमारे पास स्पीड कितनी हो गई, 4। अगर यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है तो नेक्स्ट 5 सेकेंड्स, यानी अगर बॉडी का जो टाइम है वो 15 सेकेंड्स तक पहुँच गया है, तो अब बॉडी की स्पीड कितनी हो जानी चाहिए, अगेन 4+2, इट मस्ट बी 6। एंड यू कैन सी इन द ग्राफ दैट द वैल्यू इज 6। Now we can join these three points and you can see that we get a slope over here. So, जब किसी body की speed uniformly change होती है तो उसका graph हमें एक slope की form में मिलता है, which is inclined to the x-axis. यानी x-axis के ऊपर एक सीढ़ी की तरह, stair की तरह पड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये लाइन रीड करूँगी, अ स्ट्रेट लाइन मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ द लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इट एक्सेलरेशन। यानी आप किसी भी पॉइंट पे बॉडी की अगर स्पीड निकालना चाहें तो आप आराम से निकाल सकते हैं, और अगर आप बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना चाहें, फॉर एग्जाम्पल हम ये पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज़ पॉइंट ए, मैं आपसे कहती हूँ पॉइंट ए पे बॉडी का एक्सेलरेशन निकालें, आप कैसे निकालेंगे, पॉइंट ए के ऊपर देखें बॉडी की स्पीड कितनी है, 4। अच्छा, और पॉइंट ए के ऊपर बॉडी का टाइम देखें कितना है, 10। अब अगर हम इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेंगे कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, vf - vi/time, तो यहाँ देखें आप इन दो पॉइंट्स के बीच में भी निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। अच्छा, अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है, 4, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 2, और इन दोनों के बीच का टाइम देखें आपके पास टाइम कितना है, 5 से 10 के बीच में इंटरवल कितना हो गया, 5। फाइनल वेलोसिटी इज़ 4, इनिशियल वेलोसिटी इज़ 2, ठीक है, और टाइम आपके पास कितना है, 5। यहाँ मैं लिख देती हूँ 4-2/5, सो आपके पास क्या आ गया, 2/5, और ये आपके पास तकरीबन 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो है एक्सेलरेशन आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो आपने होमवर्क में ये दोनों क्वेश्चंस करने हैं, और आपने यहाँ लिखना है एक्सप्लेन द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द ऑब्जेक्ट मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड एंड द ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर आप ये टॉपिक लिख के इसके साथ ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्लियरली ये एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। इसी तरह से आप नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग देके ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ये एक्सप्लेनेशन भी आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।